हेलो हेलो माय डियर, मैं राजेश कुमार द सेलेक्ट ऑनलाइन क्लासेस पे एक बार मैं आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ और इससे पहले 6 या 7 वीडियो डली हुई हैं प्लेलिस्ट में, तो जो स्टूडेंट नए हैं या ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वो पहले शुरुआत से देखें ताकि उनको ज़्यादा फ़ायदा हो। ठीक है, चलिए अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे। इससे पहले वाली वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो हमने मीडियन पढ़ा है, यानी वो मीडियन पार्ट 1 था। आज हम मीडियन पार्ट 2 पढ़ेंगे और फिर कल की वीडियो में जो भी मीडियन और सेंट्रॉयड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं मैं वो क्वेश्चन लूँगा ताकि आपको चीज़ें क्लियर हों, क्लियर करते चलेंगे ताकि आपका सवाल आपको समझ में आए कि कैसे इस पर सवाल फॉर्मेट होगा। चलिए तो देखिए अगला एक रिजल्ट, जैसे मैंने आपको पॉइंट 6 तक या 5 तक पढ़ाया था आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट ध्यान दीजिए, अगला पॉइंट है इसमें अगर कोई ट्रायंगल एबीसी है, अगर ये कोई ट्रायंगल एबीसी है ठीक है, और मैंने ले लिया यहाँ डी मीडियन है, क्या है डी, क्या है ये एडी, क्या है माध्यिका। माध्यिका क्या होती है, किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है, मीडियन। तो अगर ट्रायंगल एबीसी लेता हूँ और एडी मीडियन है तो इसके रिजल्ट क्या क्या होंगे, तो मैं कह सकता हूँ कि एबी प्लस एसी इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ एडी, ऐसा पूछा गया आपसे। यानी ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड माध्यिका के दो गुने से बड़ी होगी। अगर ऐसे मैं माध्यिका मान लीजिए इस पे डाल देता हूँ, इस वाली साइड पे एसी पे, तो अब क्या होगा, एबी प्लस बीसी और ये ग्रेटर देन होगा ट्वाइस ऑफ, यहां मैं ले लेता हूँ ई, किससे होगा ट्वाइस ऑफ बीई से। अगर मैं ही माध्यिका इस पे डाल देता हूँ F, तो अगर मैंने माध्यिका देखिए, अब ध्यान दीजिए अगर माध्यिका यहां से डाला गया है तो ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड बड़ा होगा CF के दोगुने से, तो मैं कह सकता हूं AC प्लस BC बड़ा होगा ट्वाइस ऑफ CF से। तो ये आप रिजल्ट इसको आप याद रखेंगे, अब बात समझ पा रहे हैं, इस रिजल्ट को आप याद रखेंगे। ये कैसे आया, बहुत आसान है, मैं आपको समझा देता हूं ये कैसे आया, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे ठीक है, ऐसा आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखिए कैसे आया, यहां बात समझ लीजिए। देखिए मैं आपको यही से समझा देता हूं, अगर मान लीजिए ये वाली लाइन AD है, अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं यहां तक H तक और मैं ऐसा लिखता हूं कि AD बराबर है DH के, यानी ये वाली लेंथ AD जितनी है DH उतना ही है। अगर मैं इसको यहां से मिला देता हूं, ध्यान से समझिए यहां से, तो आप ध्यान से समझिए कि ये जो BC है, D तो मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये आधा आधा, अरे है कि नहीं है, है ना। और अगर मैं AH की बात करूं, AH की बात करूं, बात किसकी कर रहा हूं मैं, AH की, तो अगर मैं AH की बात करूं तो AD बराबर DH ऐसा हमने लिखा, यानी AD बराबर होगा DH के। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको भी मैं आपको समझाने के लिए यहां से मिला दूं, अब ध्यान दीजिए ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, चतुर्भुज ए बी एच सी, ऐसा आप समझ पा रहे हैं। देखिए ए बी एच सी एक चतुर्भुज हो गया जिसके दो विकर्ण बी सी और ए एच। आपने देखा कि जो बी सी है दो बराबर भागों में विभाजित हो रही है और जो ए एच है वो भी ए डी बराबर डी एच, यानी कहने का मतलब ये वाला और ये वाला बराबर होगा। तो किसी भी चतुर्भुज के अगर दो डायगोनल एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं तो चतुर्भुज पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज होता है। और समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है कि आमने सामने की लाइन कैसी होंगी, तो पैरेलल होंगी, ये पैरेलल इसके और ये पैरेलल इसके, और आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, और दोनों डायगोनल एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करेंगे जैसा कि प्रूफ हो रहा है। तो अगर मैं बात आपको समझाऊं तो देखिए अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ट्रायंगल ए सी एच, तो अगर मैं ट्रायंगल ए सी एच देखता हूं तो मैं कह सकता हूं कि ए सी प्लस सी एच, ए सी प्लस सी एच बड़ा होगा किससे, ट्वाइस ऑफ ए एच से, ट्वाइस ऑफ ए एच से बड़ा होगा कि नहीं, सॉरी ट्वाइस ऑफ ए एच नहीं, सिर्फ ए एच होगा यहां। देखिए ए सी प्लस सी एच, आपको पता है ना कि सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, यानी ए सी प्लस सी एच बड़ा होगा ए एच से, ठीक है। अब आप मेरी बात समझिए, इस सी एच को, ये जो सी एच होगी ये वाली लाइन, इसके पैरेलल भी होगी और बराबर भी होगी, तो सी एच को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी, तो यहां मैं लिख सकता हूँ ए सी प्लस ए बी और बड़ा होगा, एच को क्या लिख सकता हूँ,
टू ए डी लिख सकता हूं, क्योंकि ए डी के बराबर ही तो हमने लेंथ लिया था। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, इसके ट्वाइस ऑफ ए डी। तो यही रिजल्ट आप प्रूव कर सकते हैं। तो आपको क्या प्रूफ करना था, ये वाली साइड और ये वाली साइड का जो योग होगा वो मीडियन के दो गुने से बड़ा होगा, मीडियन के दो गुने से बड़ा होगा, ठीक है। ऐसे ही आप प्रूफ कर सकते हैं, ये वाली साइड ए बी प्लस ये वाली साइड बी सी बड़ा होगा बी ई के। ऐसे आप प्रूफ कर सकते हैं, ए सी प्लस बी सी बड़ा होगा किससे, ट्वाइस ऑफ सी एफ से। तो ऐसा प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं मीडियन पे और सेंट्रॉयड पे, वो मैं सारी चीजें यहां लिख देता हूं। देखिए आपको ये चीजें पता हो पाई, ये सारे बिल्कुल आप पॉइंट डाल के लिखते रहिए, सब पे सवाल है। अगली जो वीडियो होगी उस पर मैं क्वेश्चन लूंगा, जो भी 17, 18, 19 प्री और मेंस में आए हुए हैं, सीजीएल सीपीयू में आए हुए हैं, सेंट्रॉयड और मीडियन पे जितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं लूंगा, ठीक है। तो जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे ना। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब बात ये आता, हाउ टू फाइंड लेंथ ऑफ मीडियन, मीडियन की लेंथ कैसे निकालेंगे, बात को ध्यान से समझिए। हाउ टू फाइंड लेंथ ऑफ मीडियन, मीडियन की लंबाई, यानी कि कहने का मतलब अगर ये कोई ट्रायंगल हमने लिया एबीसी, अगला पॉइंट आप डाल लीजिएगा जो भी आप पॉइंट डाल रहे होंगे। देखिए अगर मैंने ट्रायंगल लिया एबीसी, मैंने कहा कि मीडियन क्या है, एडी माध्यिका है। एडी क्या है, माध्यिका। माध्यिका किसे कहते हैं, किसी भी वर्टेक्स से किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है, माध्यिका। तो एडी की लेंथ आपसे पूछा जाएगा, कैसे निकलेगा, एपोलोनियम थ्योरम से मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिए अभी मैं आपको चीजें समझा रहा हूं। देखिए मीडियन की लेंथ कैसे निकलेगी, थ्योरम से, इस थ्योरम से निकले। तो आपको थ्योरम के बारे में नहीं समझना है, मैं आपको सीधा रिजल्ट बता रहा हूं, उसके बाद मैं प्रूफ करके बता रहा हूं आपको कैसे निकालना है। देखिए अगर मैं कोई ट्रायंगल लेता हूं, ट्रायंगल एबीसी, ध्यान दीजिए, अगर कोई ट्रायंगल एबीसी और मैंने कहा एक एडी मीडियन है, क्या है मीडियन, किसी को कोई डाउट, मैंने कहा ट्रायंगल एबीसी है और डी यानी कि एडी माध्यिका, अगर एडी माध्यिका है तो बीडी बराबर डीसी होगा कि नहीं, ये वाली लेंथ इस लेंथ के बराबर होगी। तो निकालना कैसे मीडियन की लेंथ, देखिए एबी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर, यानी कहने का मतलब इसका वर्ग और प्लस इसका वर्ग बराबर होगा ट्वाइस ऑफ एडी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, आप ये है एपोलोनियस थ्योरम, यहां से आप माध्यिका की लंबाई निकाल सकते हैं, ठीक है, माध्यिका की लंबाई निकाल सकते हैं, यानी कि एबी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर, ठीक है, बराबर होगा ट्वाइस ऑफ एडी का स्क्वायर यानी कि जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और प्लस डीसी का स्क्वायर। अब चाहे आप डीसी का स्क्वायर लिखिए और चाहे आप बीडी का स्क्वायर लिखिए, दोनों बात बराबर है। यहां आप डीसी स्क्वायर की जगह बीसी स्क्वायर बीडी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि डीसी और बीडी एक दूसरे के बराबर ही तो है, क्योंकि मीडियन है और मीडियन दो बराबर भागों में इसको बांटती है। अगर मान लीजिए आपको ये वाली लेंथ दे दिया जाए, ऐसे मीडियन बनाते हैं, ये वाली मीडियन मान लीजिए हमने दे दिया बी ई, अब मैंने कहा बी ई की लेंथ क्या होगी, तो बी ई की लेंथ निकालिए, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर होगा ट्वाइस ऑफ बी ई का स्क्वायर और प्लस ए ई का स्क्वायर। बात आप समझ रहे हैं, अगर मान लीजिए एक मीडियन मैं यहां खींच दूं और मैंने पूछा सी एफ की लेंथ क्या होगी, सी एफ की लंबाई क्या होगी, तो ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर होगा ट्वाइस ऑफ जिसकी लेंथ निकालनी है यानी कि सी एफ का स्क्वायर और प्लस चाहे आप ए एफ ले लीजिए चाहे आप एफ बी ले लीजिए, क्योंकि दोनों बराबर होगा, क्योंकि मीडियन दो बराबर भागों में बाइसेक्ट करती है, तो आप ले लीजिए ए एफ का होल स्क्वायर। तो आप यहां से किसी भी मीडियन की लेंथ निकाल सकते हैं, कोई डाउट है, बात क्लियर हो पाई, आप मीडियन की लेंथ यहां से निकाल सकते हैं। अब देखिए ये कैसे आया है, मैंने कहा कि आपको ज्योमेट्री में जब हर चीज का क्यों पता रहेगा, देखिए मैंने कहा है ना
कि जब आपको कई रास्ते पता रहेंगे, कहीं भी जाने के जब कई रास्ते आपके पास रहेंगे, तो फिर कोई डर नहीं रहेगा। अरे कोई डर रहेगा? नहीं डर रहेगा। जब सारे रास्ते तुझ तक जाते हों, तो फिर किसका डर? गुमराही का। ठीक है, तो आपको गुमराही का डर नहीं रहेगा। कहने का मतलब यह कि किसी भी चीज़ का जब आप क्यों जानेंगे, तो इससे ये फ़ायदा होगा। देखिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये नहीं कहेगा कि आप प्रूफ करके दिखाइए कि कैसे मीडियन की लेंथ पाएंगे, लेकिन इससे एक बात का फ़ायदा इतना होगा कि आप चीज़ों को जब किसी के डेप्थ में जाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी निकल के आएंगी। उससे आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, और जब इंटरेस्ट डेवलप होगा तो आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे और फिर आपके एग्ज़ाम में चाहे जितने क्वेश्चन आए कर लेंगे। देखिए, ज्योमेट्री बहुत आसान चीज़ है। मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे ये थ्योरम आया जिससे मीडियन की लेंथ मिलती है हमको। देखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर ये मैंने ट्रायंगल ले लिया ABC, बिल्कुल ध्यान से आप समझेंगे ABC, ये मैंने एक मीडियन ले लिया, कोई डाउट किसी को? और मैंने इसकी लेंथ मान लिया x, इसकी लेंथ क्या मान ली हमने? x, ठीक है। हमने इसकी लेंथ मान ली कि भाई ए भी ए है, ऐसा हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है। चलिए, अगर आप इसको नहीं लेना चाहते हैं तो इसको ऐसा करें, m ले लें, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसको आप ले लीजिए m और इसको ले लीजिए x, ये हो जाएगा आपका b और ये हो जाएगा आपका c। एंगल सी के सामने साइड सी, एंगल बी के सामने साइड बी, लेंथ ऑफ मीडियन माध्यिका की लंबाई को हमने एम ले लिया और ये लेंथ ले लिया हमने एक्स। अब देखिए, अगर यहाँ है तो क्या, अगर यहाँ थीटा कोण बनेगा और यह क्या बनेगा? थीटा वन हमने ले लिया, और इन दोनों का जोड़ कितना होगा? थीटा और थीटा वन का 180 डिग्री। अगर यहाँ से मैं कोसाइन फॉर्मूला लगाता हूँ, कॉस थीटा लेता हूँ, तो क्या मिलेगा बताइए? कॉस थीटा, इससे पहले हमने पढ़ाया ना आपको, कॉस थीटा में क्या होगा कि साइड वाले जो भुजा है उनका वर्ग करना है। अगर ये एक्स होगा तो ये भी क्या होगा? एक्स होगा, क्योंकि मीडियन है, दो बराबर भागों में बंटती है। अगर यहाँ से मैं कॉस थीटा लूँगा, तो कोसाइन फॉर्मूला क्या कहता है कि इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग माइनस सामने वाली भुजा का वर्ग। तो हम क्या लिख सकते हैं? एम का स्क्वायर और प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस का सी का स्क्वायर अपॉन 2mx। अगर मैं इसको सी स्क्वायर को इधर ले आता हूँ, तो हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2mx cos थीटा। किसी को डाउट तो नहीं है? नहीं है। अब देखिए, मैं अगर इसके लिए सॉल्व करता हूँ थीटा डैश के लिए, तो cos थीटा डैश के लिए क्या होगा? तो m का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस होगा बी का स्क्वायर अपॉन 2mx। अगर मैं बी स्क्वायर के लिए सॉल्व करूं, तो हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 2mx cos थीटा डैश। कोई डाउट नहीं है। अब बात को समझिए कि आप जैसे यहाँ समझिए, थीटा और थीटा वन मिलकर कितना है? 180 डिग्री। अरे है कि नहीं है? इसको हम क्या लिख सकते हैं? cos थीटा को इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो अगर हम इसको 180 माइनस थीटा लिखें, तो आप बात को समझिए ध्यान से। देखिए, 2mx अगर हम इसको लिखते हैं cos 180 माइनस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। तो cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? cos नेगेटिव होता है। तो अगर cos नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर ये नेगेटिव होगा तो फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इसका माइनस इसको प्लस कर देगा, 2mx cos थीटा। ये इक्वेशन आपका दूसरा मिल गया। अब देखिए, पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन को अगर हम जोड़ दें, तो ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो बचेगा क्या, रिजल्ट क्या बचेगा? यहाँ का बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या होगा? एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ट्वाइस ऑफ एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बात क्लियर? तो यही तो है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर होगा ट्वाइस ऑफ ये वाला स्क्वायर और प्लस ये स्क्वायर। यही तो हमने बताया है कि ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर बराबर होगा ट्वाइस ऑफ ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर के। या आप इसको लें या इसको लें, दोनों बात बराबर है, क्योंकि दोनों जब मीडियन डाली जाएगी तो दोनों दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। मुझे लगता है कि आप समझ पाए होंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए,
एक रिजल्ट ये हो गया। अगला रिजल्ट देखिए, इससे बहुत सारे रिजल्ट पूछे जाते हैं। चलिए अगला पॉइंट लिखिए, अगर ये कोई ट्राइंगल है, मैंने ट्राइंगल ले लिया एबीसी, अगला पॉइंट डाल लीजिएगा आप जो भी है एबीसी। अगर मैंने कहा कि एक डी मीडियन है और ये मीडियन हो गया ई और ये मीडियन हो गया आपका एफ, ट्राइंगल एबीसी में तीन माध्यिकाएं मीडियन है एडी बीई और सीएफ, तो एक रिजल्ट क्या होता है आपको डायरेक्ट लर्न रखना है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर 4 टाइम्स ए डी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर प्लस सी एफ का स्क्वायर। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ये एग्जाम में आपके पूछा गया, डायरेक्ट ऐसे दे के पूछेगा। अब बात समझ रहे हैं, आपको डायरेक्ट ऐसे एग्जाम में दे के पूछेगा, देगा यहाँ मान लीजिए 3 रख दिया, यहाँ 4 रख देगा, फिर यहाँ 5 रख देगा, यहाँ 6 रख देगा, या यहाँ एक बढ़ा सकता है घटा सकता है, और ऐसे आपको रिजल्ट पूछा जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब साइड के स्क्वायर का 3 गुना, साइड के स्क्वायर के जोड़ का 3 गुना माध्यिका के स्क्वायर के जोड़ के 4 गुने के बराबर होता है। फिर से मैं बता रहा हूँ, साइड के स्क्वायर के जोड़ का 3 गुना माध्यिका के स्क्वायर के जोड़ के 4 गुना होता है। ठीक है, कैसे आया ये भी कोसाइन फॉर्मूले से ही आया है। देखिए ये सब रिजल्ट कोसाइन फॉर्मूले से आ रहा है, देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आया। मैंने कहा कि आपको हर एक चीज का क्यों पता होना चाहिए, तभी आपको ज्योमेट्री में इंटरेस्ट बढ़ेगा। मैंने कहा है कि आपको ज्योमेट्री इस चैनल पे जब मैं पढ़ा दूंगा पूरा, तो आपको फिर किसी भी चैनल पे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको यहाँ सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा। देखिए अभी आपको पता है कि अगर मैं AD की लेंथ निकालना चाहूँ तो कैसे निकलेगा, तो आप कहेंगे सर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर होगा ट्वाइस ऑफ AD का स्क्वायर, ये D है AD का स्क्वायर और प्लस DC का स्क्वायर, अरे यही होगा ना। अगर मैं AD की लेंथ निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर यानी इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग बराबर ट्वाइस ऑफ इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, अरे है कि नहीं है। देखिए अच्छा DC को हम क्या लिख सकते हैं, DC को क्या लिख सकते हैं, DC बराबर क्या होगा BC बटा दो होगा कि नहीं, ये जो DC है BC के आधा होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, AD का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर अपॉन 4 ऐसा लिख सकते हैं, और जब इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ AD का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन 2। बात आप समझ पाए हैं, ठीक है। अगला अगर मैं BE की लेंथ निकालूं तो क्या हो जाएगा, अगर मैं BE की लेंथ निकालता हूं तो इसका स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर होगा ट्वाइस ऑफ BE का स्क्वायर और प्लस ए का स्क्वायर ले लीजिए, तो यहां से भी वही ए को क्या लिख सकते हैं, ए जो होगा ए सी का हाफ होगा, ए क्या होगा ए बराबर ए सी का हाफ होगा कि नहीं, क्योंकि पता है बीई क्या मीडियन, अगर ये मीडियन है तो इसको दो बराबर भागों में बांटेगा, इसका मतलब ए ए सी का हाफ होगा, तो हम ए की जगह क्या लिख सकते हैं ए सी बाई टू, AC बाई टू, तो AC का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ से और सॉल्व करेंगे तो 2BE का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, 2 से एक बार इसमें गुणा और 2 से एक बार इसमें गुणा। ठीक है, अगर मैं मान लीजिए CF की लेंथ निकालना चाहता हूँ तो क्या होगा, मान लीजिए इक्वेशन हमने ले लिया ये 2, अगर मैं CF की लेंथ निकालना चाहूँ तो क्या होगा बताइए, AC का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर होगा ट्वाइस ऑफ CF का स्क्वायर और प्लस FV का स्क्वायर। अब मैं यहां फिर से आपको पता है कि FV बराबर क्या लिख सकता हूं, AB by 2, FV क्या लिख सकता हूं, FV को AB by 2 लिख सकता हूं, क्योंकि FV जो होगा मिड पॉइंट होगा AB का, F मिड पॉइंट है ना AB का, ठीक है, तो FV को हम लिख सकते हैं AB by 2, तो 2CF का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2CF का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन 2, ये मान लीजिए तीसरा इक्वेशन।
अब कुछ नहीं करना, आपको तीनों को जोड़ देना है, आपको कुछ भी नहीं करना, तीनों को जोड़ देना है। देखिए, ध्यान दीजिए, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड, अगर मैं इन तीनों को जोड़ देता हूं तो क्या मिलेगा? देखिए, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी, ए बी ए सी, ए बी बी सी, और यहां क्या मिलेगा? ए सी बी सी, यानी कि ए बी दो बार और बी सी दो बार और ए सी दो बार। तो हम इसको लिख सकते हैं, यहां ध्यान दीजिए, ट्वाइस ऑफ ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर, है कि नहीं है? इधर क्या लिख सकते हैं हम? देखिए, टू ए डी का स्क्वायर और प्लस टू बी ई का स्क्वायर प्लस टू सी एफ का स्क्वायर। देखिए, ध्यान दीजिए, बराबर क्या होगा है? टू, मैं दो कॉमन ले लेता हूं तो क्या मिलेगा हमको? ए डी का स्क्वायर प्लस यहां क्या मिलेगा? बी ई का स्क्वायर, और यहां क्या मिलेगा? सी एफ का स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप, इसको मैं मिटा रहा हूं, बोर्ड पे जगह नहीं है। चलिए आगे क्या लिख सकते हैं हम? यहां मिला बी सी स्क्वायर बाई टू, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, सॉरी यहां, हाँ यहां चार होगा, ए सी स्क्वायर, और यहां क्या मिलेगा? ए बी स्क्वायर, और सबके नीचे दो है तो दो सबके नीचे आ जाएगा। अरे कोई डाउट है? नहीं है, तो यही तो बात है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर, और ये भी यही है, ए बी बी सी सी ए, ये इधर आएगा तो ये दो गुना है और ये आधा गुना है, तो इधर आएगा तो क्या बचेगा? डेढ़ गुना, यानी कि तीन बट्टा दो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर। ये देखिए दो गुना है, अगर मान लीजिए आप इसको टू ए मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा? आधा। अरे ये आधा है, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे कोई डाउट नहीं है। ये इधर माइनस करेगा तो दो गुने में से आधा माइनस होगा तो डेढ़ गुना बचेगा, यानी कि तीन बट्टा दो, बराबर क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ ए डी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी एफ का। अगर ये दो मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा? थ्री ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी एफ का स्क्वायर बराबर होगा फोर टाइम्स ए डी का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर प्लस सी एफ का स्क्वायर। ये आपको रिजल्ट आपको याद रखना है, यही तो रिजल्ट हमने बताया था, इस चीज को आपको याद रखना। अभी सारे रिजल्ट को मैं एक बार समराइज कर दूंगा, एक पॉइंट याद दिखा दूंगा, आपको सारे रिजल्ट वहां से याद रखने, ठीक है? चलिए, तो फिर इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए, माध्यिका की जो लंबाई होती है, लेंथ ऑफ मीडियन, बहुत सारे इससे सवाल पूछे गए हैं। देखिए, अब मैं सारे चीजों एक जगह लिखा देता हूं आपको, एक पॉइंट बना के, पॉइंट वाइज, ताकि आपको याद रहे। अब देखिए, ध्यान दीजिए, अगर ये मैंने ट्रायंगल लिया है, ये ट्रायंगल ए बी सी और ए डी बी ई और सी एफ क्या है? मीडियन। अरे मीडियन क्या होता है, अब तो पता चल गया होगा, मैं कोई भी चीज इसलिए बार बार बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। अब तो मीडियन पता चल गया, किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है? माध्यिका। अब इससे आपको रिजल्ट क्या क्या मिले, आपको रिजल्ट कंक्लूज करना है। पहला रिजल्ट देखिए, सारे एग्जाम में पूछे गए, मैं क्वेश्चन भी लूंगा। देखिए, ए बी प्लस ए सी बड़ा होगा टू ए डी से, यही तो लिखा है मैंने। इसी में आप दूसरा पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर एक है। अगला क्या होगा? ए बी प्लस बी सी बड़ा होगा ट्वाइस ऑफ बी ई से। अगर अगला मैं लू ए सी प्लस बी सी बड़ा होगा ट्वाइस ऑफ सी एफ से, ये आपका पहला पॉइंट है। अगला पॉइंट लिखिए, जो अगला मैंने लिखवाया था, पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर टू क्या है? हमने बताया था कि आपको सम ऑफ साइड इज ग्रेटर देन सम ऑफ मीडियंस, त्रिभुज की भुजाओं का जो योग होगा मीडियन से अधिक होगा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये सारी चीजें हमने प्रूफ कर रखी हैं, तो जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे हो प्रीवियस वीडियो में जाके आप देखिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी एफ, सब ए बी बी सी सी ए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन होगा ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ, यानी कि माध्यिका। यानी कहने का मतलब मैं समझाते भी चलता हूं,
ए बी बी सी सी ए क्या है, साइड है ए बी बी सी सी ए, यानी सभी भुजाओं का योग सभी माध्यिकाओं के योग से बड़ा होता है। एक रिजल्ट और आपके एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी प्री में पूछा गया है, लिख लीजिए आप, लिख लीजिए आप ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का तीन गुना बड़ा होगा ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ के। ठीक है, ये भी आप रिजल्ट याद रखेंगे, यानी कि भुजा के योग का तीन गुना माध्यिका के योग के चार गुने से भी बड़ा होता है, ऐसा भी आप रिजल्ट याद कर रखे हैं। अगला पॉइंट लिखिए, अभी जो हमने प्रूफ कराया आपको कि तीन गुना भुजा के वर्ग ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर ये बराबर होगा चार गुना ए डी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर प्लस, ये आपको सारे चार के चारों रिजल्ट आपको याद रखने। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। अगला मैं पॉइंट लेता हूं, आप इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, चलिए अभी मैं क्वेश्चन लूंगा, जितने भी मीडियम से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन भी मैं साथ के साथ लेता चलूंगा ताकि आपका डाउट क्लियर रहे। ठीक है, तो आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, चलिए अच्छी बात है। देखिए अगला पॉइंट, आप लोग पॉइंट नंबर डाल के लिखते जाइए। देखिए अगला पॉइंट है कि जब दो मीडियन व्हेन टू मीडियन इंटरसेक्ट अप 90 डिग्री, जब दो माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हो, देखिए अगर मैंने लिया एबीसी एक ट्रायंगल है, ठीक है, इससे सवाल पूछे गए आपके 16 मेंस में भी पूछे गए, बहुत सारे सवाल आए हैं और अभी लेटेस्ट भी आए हैं 18-19 में भी, सीपीओ में भी, तो मैं उस क्वेश्चंस भी लूंगा। मैं आज की वीडियो में पूरी थ्योरी आपको पढ़ाऊंगा ताकि आपको सब कुछ समझ में आए, और जब कल क्वेश्चन में लूंगा तो थ्योरी को रिकॉल करते चलूंगा और क्वेश्चन भी बताते चलूंगा। देखिए अगर मैंने मान लिया ये बीई है और ये सीएफ है, ये मैंने कहा ये बीई है और ये सीएफ है और ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। सवाल ऐसे दिया रहेगा, ए बी एक ट्राइंगल है एबीसी, दो माध्यिकाएं बीई और सीएफ एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो यहां से रिजल्ट क्या आएगा आपका, ध्यान दीजिए, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 5 टाइम्स बी सी का स्क्वायर। ये आपको रिजल्ट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस पे सवाल भी आए हुए हैं 16 मेंस में 17 में, उसको मैं क्वेश्चन लूंगा। यानी कि जब ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे तो इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग बराबर होगा 5 गुना इसका वर्ग। और दूसरी चीज आपको याद क्या रखनी है, अगर मान लीजिए पॉइंट ओ है, ये पॉइंट क्या है ओ है, तो एओ बराबर क्या होगा बीसी, यानी जो ये वाली लेंथ होगी, जो ये वाली लेंथ होगी एओ बीसी के क्या होगी, बराबर होगी, ये दोनों लेंथ क्या होगी बराबर। ये आपको दो रिजल्ट यहां से याद रखने। ठीक है, कैसे आया, मैंने कहा कि आपको मैं हर चीज का क्यों बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको ज्यादा समझ में आए, क्योंकि आपको ज्यादा समझ में आएगा तभी मेरे पढ़ाने का उद्देश्य सफल होगा। मुझे पढ़ाने का मतलब कि चीजें आपके 100% समझ में आए, क्योंकि आप हैं तभी तो हम हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर हमारे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। मुझे गिल्टी फील होगी कि मैं आपको इसका मतलब समझा नहीं पाया, ठीक है, तो मुझे ज्यादा खुशी तभी मिलती है जब मैं आपको अच्छे से समझा लेता हूं और आप कहें हाँ सर समझ में आ गया। चलिए देखिए, मैंने कहा ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल लिया है, मैंने ले लिया एबीसी, ये क्या है बीई और ये मैंने ट्राइंगल लिया सी एफ। आपको पता कि 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये भी 90 होगा, सारे के सारे 90 होंगे। अब बात समझिए कि आपको पता है कि अगर ये दो मीडियन जहां इंटरसेक्ट करती हैं या जहां तीनों मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वो सेंट्रोइड होता है, केंद्रक होता है, और आप ये भी जानते हैं कि जो सेंट्रोइड केंद्रक होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। इसका मतलब भैया अगर ये 2x होगा तो x होगा, और अगर ये 2y होगा तो ये y होगा, अरे कोई डाउट तो नहीं है, बोल दो, नहीं है। चलिए अब मेरी बात को आप ध्यान से समझिए कि ये भी राइट एंगल है, अरे ये भी राइट एंगल ही तो है,
ये राइट एंगल ट्रेंगल, ये भी राइट एंगल ट्रेंगल, ये भी राइट एंगल ट्रेंगल। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको सॉल्व करूं तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, ये 90 डिग्री है, तो अगर 90 डिग्री तो क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा, ये वाली साइड हाइपोटेनियस, तो इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग बराबर इसके वर्ग के, तो हो जाएगा भैया 4y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर बराबर bc का स्क्वायर। अरे बताइए, ये 90 डिग्री हाइपोटेनियस होगा, है कि नहीं है। मैं यहां ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर 4 में कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बीसी का स्क्वायर। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, ये वाली साइड तो क्या मिलेगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एफ बी का स्क्वायर। अरे होगा कि नहीं, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग बराबर इसके वर्ग के, और एफ बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई टू। एफ बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई टू लिख सकते हैं, क्योंकि एफ मिड पॉइंट है, तो एफ बी को हम क्या लिख सकते हैं, एफ बी को हम लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूं ए बी बाई टू, ए बी बाई टू, ए बी का स्क्वायर और दो का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, चार। तो यहां से हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, चलिए मैं अभी बाद में कंक्लूज कर देता हूं इसको। अगर मैं इसका लेता हूं, इसका, तो इसको ध्यान दीजिए, वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर और बराबर क्या हो जाएगा, EC का स्क्वायर, और EC को क्या लिख सकता हूं, AC by 2, तो इसका मतलब AC स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। अब अगर इनमें दोनों समीकरणों को जोड़ दूं, मैं इसको हटा दे रहा हूं क्योंकि ये इसके ही बराबर है, ध्यान दीजिए, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे सर 5 कॉमन ले लूं तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर 5x स्क्वायर, 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 5y स्क्वायर, 5 हमने कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यहां से क्या मिलेगा, ab का होल स्क्वायर प्लस ac का होल स्क्वायर अपॉन 4। अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताइए, यही तो मिलेगा। और मैं यहां क्या लिख सकता हूं, x स्क्वायर बटे y स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, bc स्क्वायर बटा 4 लिख सकता हूं, इसके जगह मैं ऐसे लिख दिया हमने, bc का स्क्वायर अपॉन 4 बराबर क्या हो जाएगा, ab का स्क्वायर प्लस ac का स्क्वायर अपॉन 4, चार से चार कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट क्या मिला आपको, रिजल्ट यही तो मिला, ab का स्क्वायर प्लस ac का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5 bc का, ये आपका रिजल्ट, इसको डायरेक्ट लर्न रख रहा है। मैं अगली वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस भी लूंगा ताकि आपको चीजें और क्लियर होती चलें। यानी कहने का मतलब, जब दो मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगी तो इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग बराबर इसके वर्ग का 5 गुना होगा, कोई डाउट नहीं है, नोट कर लीजिए। देखिए मैं पूरी डेप्थ में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, जितना डेप्थ में हो सकता है उतनी मैं कोशिश कर रहा हूं। देखिए अब बात करते हैं कि अगर जो हमारा ट्रायंगल है वो अगर 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, बात समझिए। अगर मान लीजिए ट्रायंगल 90 डिग्री है, यहां से भी बहुत सारे रिजल्ट आपको मिलेंगे। अगर मान लीजिए ट्रायंगल दिया है एबीसी, राइट एंगल ट्रायंगल, जहां भी क्या 90 डिग्री, और मैंने ले लिया ये मिड पॉइंट M है और ये आपकी माध्यिका N है, ठीक। तो यहां से आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, देखिए मैं इसको यहां से मिला देता हूं, तो जो भैया MN होगा वो AC by 2 होगा कि नहीं, अरे जो MN होगा AC का आधा होगा, मिड पॉइंट थ्योरम अभी मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि अगर मैं यहां से दोनों मिड पॉइंट को मिला देता हूं, दो मिड पॉइंट को मिला देता हूं तो इस लाइन के पैरेलल होगी और इसके आधा होगी मिड पॉइंट थ्योरम से। तो अभी मैं चीजें आपको बताऊंगा जब मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ाऊंगा, तो अभी आपके आयात में समझा देता हूं कि ये मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है क्योंकि मीडियन है। अगर ये मीडियन है तो मिड पॉइंट को टच करेगा, और ये भी मीडियन है सीएन, तो ये भी मिड पॉइंट को टच करेगा।
और जो मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा होती है वो तीसरी के आधा होती है, यानी इसके आधा होगी और इसके पैरेलल होगी। तो एम एन को हम क्या लिख सकते हैं, एम एन को लिख सकते हैं एसी बाई टू। तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना, ध्यान दीजिए आपको रिजल्ट क्या याद रखना है, इसमें तीन रिजल्ट बनेंगे आपके। तीन रिजल्ट क्या बनेंगे, देखिए ए एम का स्क्वायर प्लस सी एन का स्क्वायर बराबर होगा ए सी का स्क्वायर और प्लस एम एन का स्क्वायर। ये पहला रिजल्ट होगा आपका, बहुत ध्यान से समझेंगे आप, मैं सारी चीजें बताऊंगा वन बाय वन करके। मैं आपको देखिए नाम से याद नहीं करना है कि एम है एन है, मान लीजिए कहीं पी क्यू आर दे दिया, आपको नाम से नहीं याद रखना है, यानी इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग बराबर होगा दोनों माध्यिकाओं के वर्ग के, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग बराबर होगा दोनों माध्यिकाओं के वर्ग के, ठीक है। अब मेरी बात को आप ध्यान से समझिए, यहां से और भी सारे रिजल्ट क्या क्या हो सकते हैं। अगर आपको पता एम एन जो है, एम एन को क्या लिख सकता हूं, ए सी बाई टू लिख सकता हूं, तो यार आप मेरी बात समझिए, इसको क्या लिख सकता हूं ए सी बाई टू, तो ए सी का होल स्क्वायर अपॉन टू का स्क्वायर करेंगे तो फोर हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा बताइए, होगा तो भैया ये क्या हो जाएगा, फोर ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, फाइव ए सी स्क्वायर, और बराबर ये फोर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ए एम का स्क्वायर प्लस सी एन का स्क्वायर। तो आप दूसरा रिजल्ट ये याद रखेंगे, दूसरा रिजल्ट क्या याद रखेंगे आप, ये याद रखेंगे। अब बात समझिए, एसी को मैं क्या लिख सकता हूं बताइए, एसी को मैं क्या लिख सकता हूं, एसी को मैं लिख सकता हूं ना ट्वाइस ऑफ एम एन, एसी को मैं क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ एम एन नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो अगर ये एसी की जगह आप एम एन रखेंगे तो एम एन का होल स्क्वायर, एम एन का होल स्क्वायर और दो का स्क्वायर करने कितना हो जाएगा, चार। तो आप ये भी याद रखेंगे, फोर ए एम का स्क्वायर प्लस सी एन का स्क्वायर बराबर होगा ट्वेंटी एम एन के स्क्वायर के, ये आपका तीसरा रिजल्ट है। ये आपके तीन रिजल्ट मिले हैं, जब ट्रायंगल 90 डिग्री होगा और दो माध्यिकाएं यहां से दी गई होंगी तो ये तीन रिजल्ट आपको याद रखने हैं। मैं याद करने का तरीका आपको सिखा रहा हूं, मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए आपको नाम से याद बिल्कुल नहीं रखना है कि एम है एन है, मान लीजिए आपको पी क्यू दे दिया, कभी ए बी सी दे दिया, कभी एल एम एन दे दिया, तो आप बात को ध्यान से समझिए, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, यानी ये सबसे बड़ी और ये सबसे छोटी, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग और इन दोनों जो गुणा में कट किया गया इनके वर्ग के बराबर होगा, ठीक है। दूसरा रिजल्ट आपको क्या याद रखना है, बात को ध्यान से समझिए, ये ए एम है, ये सी एन है, ए एम सी एन यहाँ भी है, ए एम सी एन यहाँ भी है, ए एम सी एन यहाँ भी है। कहने का मतलब ए एम और सी एन हमेशा मतलब कि विकर्ण है, सॉरी माध्यिका है, ए एम और सी एन क्या होंगे, हमेशा ही हमेशा माध्यिका होंगे। तो माध्यिका के वर्गों का योग इसके वर्ग के, माध्यिका के वर्गों के योग का चार गुना इसके पांच गुना के बराबर, माध्यिका के वर्गों के योग के चार गुना इसके बीस गुना के बराबर। बात क्लियर हो पाई, देखिए फिर से मैं समझा रहा हूं, यहां माध्यिका रहेगी ए एम सी एन, ए एम सी एन, ए एम सी एन, ठीक। अगर ये ए एम सी एन है तो ये इसके बराबर होगा, अगर ए एम सी एन है, ए एम सी एन के वर्गों के योग का चार गुना ए सी स्क्वायर के पांच गुना है, इसके पांच गुना के बराबर होगा। और अगर ये सेम एज इट इज इसको उतार दिया जाए तो अगर फाइव ए स्क्वायर नहीं होगा तो बीस ए, बीस एम एन स्क्वायर होगा, या तो ये फाइव ए सी स्क्वायर होगा या तो बीस एम एन स्क्वायर होगा। ये तीनों ही रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए मैं कुछ और रिजल्ट आपको बताता हूं। मैंने कहा कि जितने डेप्थ में हो सकते हैं, जितना डेप्थ में हो सकता है उतने डेप्थ में जाने की कोशिश करूंगा, इसके बाद आपका कुछ भी बचेगा नहीं यहां से। कुछ पॉइंट और है मीडियन में, उसको भी नोट करिए, जहां से सवाल आते हैं आए हैं आप लोग पॉइंट डाल के लिखते रहिए। देखिए अगर कोई ट्राइंगल है, अगर कोई ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब मेरी बात समझिए, अगर मैंने कहा एडी है, बीई है और सी एफ है, बात समझिए, आपको पता है कि ये भी मिड पॉइंट होगा और ये भी मिड पॉइंट होगा। अगर इन दोनों को मैं मिला देता हूं ऐसे
मैं आपको रेड पेन यूज कर रहा हूं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए, ध्यान दीजिए। देखिए, अगर मैंने इन दोनों पॉइंटों को मिला दिया, बताइए तो यहां से क्या होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, अरे होगा कि नहीं होगा बताइए, और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, ये वाला एंगल कौन, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण बराबर होंगे, और ये क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होंगे। यानी कहने का मतलब, अगर ये मैं पॉइंट का नाम ओ दे दूं तो एफ ओ ई सिमिलर होगा सी ओ बी की। अगर ये दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर हैं तो आपको ये भी पता है मिड पॉइंट थ्योरम से कि अगर ए बी का मध्य बिंदु एफ और ए सी का मध्य बिंदु ई है और मैं एफ ई को मिला दूंगा तो एफ ई की जो लेंथ होगी वो बी सी के आधी भी होगी और पैरेलल भी होगी, होगी कि नहीं होगी। इसका मतलब भैया अगर ये साइड टू है तो ये वाली कितनी होगी, किसी को डाउट है, नहीं है तो भैया अगर इसकी तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, अगर दो त्रिभुज सिमिलर हैं, अगर दो त्रिभुज सिमिलर हैं, अभी मैं सिमिलरिटी नहीं पढ़ाया हूं तो आप ज्यादा परेशान मत होइएगा, दो त्रिभुज अगर सिमिलर हैं, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं और इनकी भुजा का अनुपात 2:3 है तो क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल इनके स्क्वायर पे डिपेंड करता है, यानी 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 1 का स्क्वायर होगा भैया 1 और 2 का स्क्वायर 4, क्या हो जाएगा 4, कोई डाउट किसी को नहीं है। और आपको जो पता है कि जो ये वाला एरिया होता है, ये वाला एरिया वो ट्राइंगल का 1/3 होता है, अरे होगा कि नहीं, ये वाला ट्राइंगल का क्या होता है 1/3, और ये वाला होता 1/3, और ये वाला होता 1/3, ये तीनों 1/3 होते हैं, अगर इसका 4 फिर इसका 4 और इसका 4, तो ट्राइंगल का एरिया कितना हो गया 12, 4 इसका और 4 इसका और 4 इसका, तो ट्राइंगल का एरिया कितना हो गया 12 और इसका कितना हो गया 1। तो आपको सिर्फ रिजल्ट याद क्या रखना है, मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ, सिर्फ आप रिजल्ट याद रखेंगे, देखिए आपको रिजल्ट क्या याद रखना है, ध्यान दीजिए, अगर मैंने ट्रायंगल ले लिया ये वाला, ये ए है, ये बी है, ये सी है, अगर मैं ट्रायंगल यहां से मिला देता हूं और ये वाला यहां से मिला देता हूं, ये मान लीजिए ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है एफ और ये पॉइंट है ई, तो आपसे पूछा जाएगा ओ ई एफ का क्षेत्रफल, ओ एरिया ट्रायंगल ओ ई एफ बराबर क्या होगा 1/12 एरिया ट्रायंगल ए बी सी, इस चीज को आप याद रखेंगे, आप समझ भी गए कहां से आया, यानी अगर ये वाला ट्रायंगल पूछा जाएगा, ये वाला ट्रायंगल, तो क्या होगा पूरे त्रिभुज के 12वें हिस्से के बराबर होगा, यानी एरिया ट्रायंगल ओ ई एफ 1/12 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी, ठीक है, अब बात समझ पाए होंगे। अच्छा एक यहां भी बनेगा, अगर मान लीजिए ये वाला मैं यहां खींच देता हूं थोड़ी देर के लिए, ऐसे मान लीजिए खींच देता हूं मैं, ऐसे ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए मैंने ऐसे खींच दिया तो क्या हो जाएगा ए डी, अगर मैं इसको मिला दूं तो भी वही बात है, ये वाली लाइन है कि नहीं, तो ये भी 12वां हिस्सा होगा, और मैं इसको अगर मिला देता हूं तो ये भी क्या होगा 12वां हिस्सा होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, होगा, इसका मतलब ये भी 12वां हिस्सा, ये भी 12वां हिस्सा, ये भी 12वां हिस्सा, अगर इसका एरिया 1 होगा तो इसका भी एरिया 1 होगा, तो इसका भी एरिया 1 होगा, ठीक है, अब बात समझ पाए हैं, ठीक है। तो हम चाहे कहें एरिया आप ओ ई एफ या हम कहें एरिया ट्रायंगल, नाम देते हैं ये ओ है, ये क्या है ओ नाम दिया था ना हमने, ये हमने ओ नाम दिया था, ओ एफ डी हम ये भी कह सकते हैं, एरिया ऑफ ओ एफ डी, या हम कहें एरिया ऑफ ट्राइंगल ई ओ डी, ई ओ डी, ये तीनों ही क्या होंगे इसके बराबर होंगे, ये भी इसके बराबर होगा और ये भी इसके बराबर होगा, कोई डाउट तो नहीं है, यानी चाहे इसका पूछा जाएगा एफ ओ ई का या एफ ओ डी का या ई ओ डी का, तो क्या होगा 1/12 एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अब मैं यहीं से आपको एक रिजल्ट और बताता हूं, आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान दीजिए, अब आपको यह पता है, अब आपको यह पता है कि जो ये वाली ट्रायंगल है, अगर बड़ी वाली ट्रायंगल एफ ई डी, ये वाली ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल, इसका एरिया कितना है 3, तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा एफ ई डी, ये ई है ना,
एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ ई डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ ई डी बराबर क्या होगा, 1/4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। इसको भी याद रखेंगे आप, ये भी आप याद रखेंगे, ये भी पॉइंट, कि जो ये वाला एरिया होगा एफ ई डी का, ये वाला एरिया होगा, यानी कहने का मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया और ये वाला एरिया और ये वाला एरिया चार इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, यानी मैं कह सकता हूं जो ये वाला ट्रायंगल होगा वो एक चौथाई होगा, इस पूरे ट्रायंगल का कितना होगा, चौथा हिस्सा होगा, यानी एक एक पार्ट ये हो गया, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट और ये चौथा पार्ट, तो हम इसको कह सकते हैं ना कि 1/4 होगा। अगर मान लीजिए पूरे ट्रायंगल का क्षेत्रफल एबीसी का 72 है तो एफ ई डी का कितना होगा, तो पूरे का 72 है तो इसको हम 4 से भाग दे देंगे तो ये निकल जाएगा 18। इसका मतलब एफ ई डी का क्षेत्रफल कितना निकल गया, 18। तो आप ये रिजल्ट याद रखेंगे, दोनों रिजल्ट। एक रिजल्ट और इंपॉर्टेंट है जो पेपर में दो बार एक बार पूछा गया है, उस क्वेश्चन को भी मैं ले लूंगा और उस रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो बार एग्जाम में उससे क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं, तो उस चीज को भी ध्यान दीजिए। अगला पॉइंट आप नेक्स्ट डाल के लिखते रहिए, आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। आप बिल्कुल, मैंने कहा कि जितना डेप्थ में हो सकता है उतने डेप्थ में मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा। अगर ये ट्राइंगल ए बी सी है, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, आप ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ ए डी, और मैंने ये लिया मिड पॉइंट, और ये क्या हो गया, तो ये हो गया डी, ये हो गया ई और ये हो गया एफ। तो ट्राइंगल ए बी सी में ए डी बी ई और सी एफ क्या है, माध्यिका है। तो एक रिजल्ट और आपसे पूछा जाता है, अगर मान लीजिए इसको मैं मिला देता हूँ और ये मान लीजिए, ये मैंने ऐसा नाम दे दिया, यहाँ मैंने इसका नाम दे दिया ओ और इसका नाम दे दिया जी। बात को ध्यान से समझिए, मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ कि ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें ए डी मीडियन है, बी ई भी मीडियन है और सी एफ भी मीडियन है, जो एक दूसरे को ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ओ क्या हो जाएगा, सेंट्रॉइड, ओ क्या हो जाएगा, सेंट्रॉइड। तो कहता क्या है, अगर एफ ई को मिला दिया जाए, क्वेश्चन कैसे बनेगा, यदि एफ ई को मिला दिया जाए तो ए ओ को जी पर इंटरसेक्ट करेगा, कैसे सवाल बनेगा, फिर से सुनिए, और ऑप्शन क्या देगा, देखिए मैं यहां लिख देता हूं, एक बार आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, ध्यान दीजिए, सवाल ऐसे रहेगा, कहेगा कि एफ ई को मिला दिया जाता है जो ए ओ को जी पर इंटरसेक्ट करेगा, तो ए जी और जी ओ का अनुपात क्या होगा, तो ए जी और जी ओ का अनुपात क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इस बात को समझिए, ए जी और जी ओ का अनुपात क्या होगा, हमेशा 3:1, ठीक है, आप मेरी बात क्लियर हो पाया, ए जी और जी ओ का रेशियो क्या होगा, तो हमेशा 3:1, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ए जी और जी ओ का रेशियो का अनुपात, अगर मान लीजिए ये ए जी है और जी ओ है, अगर यही मान लीजिए मैं ऐसे मिला देता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आए, अगर मान लीजिए मैं ऐसे मिला देता हूँ और ये कहीं मान लीजिए पी पर काटता है, तो अब बी पी और पी ओ, बात समझिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बी पी और पी ओ, मान लीजिए अगर मैं इधर से मिला देता हूँ ऐसे और ये मान लीजिए टी पर काटता है, तो सी टी और टी ओ, तो क्या हो जाएगा, सी टी और टी ओ का जो अनुपात होगा सबका क्या होगा, 3:1। तो ये भी इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं, इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो हमें उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। और देखिए, जो मीडियन है और सेंट्रॉयड, यानी कि मीडियन और सेंट्रॉयड की जो थियरी है, मुझे उम्मीद है कि मैं आपको सब कुछ समझा पाया हूँगा। अगर आपको फिर भी लगता है कि मुझे डाउट है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको अब सब कुछ जब फ्री में मिल रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है कि नहीं है, ठीक है। और अगली वीडियो जो होगी वो मीडियन और सेंट्रॉइड के क्वेश्चंस की होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स।